हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग करूं। सो आज की रीडिंग जो है थर्ड पार्टी पे है कि जिन लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में हैं उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, लाइक वो किसी के साथ कमिटेड हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या ये पर्सन मैरिड है, तो आज की रीडिंग बेसिकली उनके लिए है जिनके कनेक्शन में कोई पर्सन मौजूद है। थर्ड पार्टी, कोई पर्सन आपके कनेक्शन में है आपके अलावा, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी है। ओके, सो गाइस देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में इस टाइम चल क्या रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जिनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में है, चाहे मेल है फीमेल है, कुछ भी जेंडर है इनका, सेम जेंडर है या कुछ भी है, ठीक है। तो देखेंगे जो थर्ड पार्टी में है उनके और थर्ड पार्टी के दरमियान करंटली इस टाइम चल क्या रहा है, ठीक है। सो जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट वन वीक के लिए, कि वन वीक में क्या चल रहा है उनके लिए, ठीक है। तब आप देख सकते हो, जब आप इस रीडिंग को देखोगे तब से नेक्स्ट वन मंथ वन वीक के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टा का आईडी tarot313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अपने पर्सन पर आप लोग फोकस रखिए और पॉजिटिव रहिए। देखेंगे जिनके पार्टनर इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो उनके और थर्ड पार्टी में इस टाइम चल क्या रहा है। तो गाइस, मेरे सेकंड चैनल पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो, ताकि मैं लाइव रीडिंग जब करूँ, फ्री रीडिंग मैं करती हूँ वहाँ पे, तो आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में इस टाइम क्या चल रहा है, उनके पार्टनर्स टाइम थर्ड पार्टी में। सो नेक्स्ट है हमारे पास टेन ऑफ वांड्स, सीरीज लियो सैजिटेरियस इसका स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स में क्या चल रहा है। देन वी हैव नाइट ऑफ वांड्स, सीरीज लियो सैजिटेरियस थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स में इस टाइम क्या चल रहा है। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देन हमारे पास टू ऑफ वांड्स, सीरीज लियो सैजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये इस पर्सन की लाइफ इंबैलेंस है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, थर्ड पार्टी और इस पर्सन के दरमियान आई थिंक बैलेंस नहीं है गाइस। सो ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है। एंड देन वी हैव फाइव पिस्टल्स, आई थिंक मुझे कुछ और कार्ड लेना चाहिए। इस टाइम इसका और थर्ड पार्टी के दरमियान बैलेंस नहीं है, चाहे ये पर्सन मैरिड है चाहे अनमैरिड है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड मुझे लग रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे मे बी ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है या हायरोफेंट। यस, ये पर्सन मैरिड भी है और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे जस्ट किसी के साथ कनेक्शन में है, कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो बॉटम ऑफ द रैक है द डेविल, एंड अगेन हमारे पास है टू ऑफ सोल्ड। ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज में है गाइस, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। इस टाइम ये पर्सन अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है। थर्ड पार्टी में तो ये पर्सन है, बट मुझे थर्ड पार्टी में ये कहीं खुश नहीं लग रहा। अगर ये पर्सन मैरिड है तो थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से है, सोसाइटी का प्रेशर है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको पता है वहाँ पे एंड करेगा तो चीज़ें ख़राब होंगी द टावर। और कुछ लोगों का यहाँ पे आपके पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, लाइफ में चेंजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने लाइफ को स्टेबल तो करना चाह रहा है। थर्ड पार्टी के साथ ये चाहता है इसकी लाइफ में सेटलमेंट आए, स्टेबल हो, बट नहीं हो रही। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है थर्ड पार्टी में ये पर्सन। आई थिंक थर्ड पार्टी में तो ये पर्सन है, बट ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग करता है। इस पर्सन को एडिक्शन है, स्मोकिंग करता होगा, ड्रग्स भी ले सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होते हैं। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती गाइस, बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसको लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन ये पर्सन फील करता है थर्ड पार्टी की तरफ। दैट्स वाई ये थर्ड पार्टी में है। जिनके पर्सन यहाँ पे अनमैरिड हैं, मोस्टली अनमैरिड जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है। हो सकता है ये पर्सन लिव इन में भी उसके साथ रहा हो, थर्ड पार्टी के साथ। बट यहाँ पर ट्रिपल टू की एनर्जी है, ये पर्सन बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ में, बट बैलेंस हो नहीं रहा। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा, डेफिनेटली ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में मे बी मनी की वजह से हैं, लाइक वो पर्सन जिसके साथ ये पर्सन मैरिड है
या वो काफ़ी ज़्यादा रिच वेल्थी हो सकता है, तो इसको लगता है अगर वो छोड़ेगा तो इसकी लाइफ से मनी चले जाएगा। ओके, बट जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं उनके मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ जो फीमेल है वो उनको प्यार करती है, बट ये पर्सन स्टेबल होना भी चाह रहा है, बट आई थिंक मे बी इस पर्सन का ना बैलेंस नहीं पा रहा डिवाइन की तरफ से। गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये इस टाइम अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, द टावर, दिस पर्सन इज डीलिंग विद देयर कार्मिक पार्टनर। सिर्फ और सिर्फ कार्मा है इसका जो ये पर्सन डील कर रहा है अपने इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, मैरिड है, व्हाटसोएवर, कुछ भी सिचुएशन है, ये अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है। बिकॉज यहाँ से मुझे कार्मिक की एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं नज़र आ रही कि ये कोई सोलमेट है या क्या है, बट ये पर्सन बर्डन में है। ये पर्सन सोच रहा है कि थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए, बर्डन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये इस बर्डन को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पर्सन रिलीज़ करना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशली कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे मोस्टली स्टेबल नहीं है, तो ये पर्सन चाहता है कि अब उधर से निकले। कैसे निकले, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये निकलने का सोच रहा है बट रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी क्या कहेगी, उसके घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले नहीं छोड़ने देना चाहते इस कनेक्शन को। अगर ये पर्सन स्पेशली मैरिड की बात कर रही हूँ, मैरिज में है, तो उसको पता है लोग क्या कहेंगे। जबकि ये पर्सन निकलना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन एक इम्पल्सिव एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन पोजेसिव है, बट ये रुका हुआ है सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से। जबकि ये पर्सन चाहता है निकलना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहता है इस दर से निकले ताकि इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। और मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, फील हो रहा है, वाइब फील हो रही है यहाँ पे। ये पर्सन एडवेंचर चाहता है अपनी लाइफ में, ये चाहता है थर्ड पार्टी को छोड़े, चाहे ये कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, ये चाहता है थर्ड पार्टी को छोड़े, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, फाइटिंग हो रही है इस पर्सन की, वहाँ पर बैलेंस नहीं बन रहा। ये पर्सन चाहता है अपनी चीज़ों को चेंज करे, स्टेबिलिटी नहीं आ रही कोई लाइफ में। स्टेबिलिटी मेन चीज़ है इसका, वहाँ पे कुछ भी कमिटमेंट दी भी है ना, तो ये पर्सन को लाइक फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन, मुझे फील हो रही है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है, यहाँ समझ नहीं आ रही है क्या करे, क्योंकि ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज के बारे में फील कर रहा है, ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। ये पर्सन किसी ओल्ड पास्ट फ्रेंड, किसी पास्ट ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहा है जिसके साथ इसने टाइम अच्छा स्पेंड किया है, जिसके साथ इसने इकट्ठे पर है या किसी को डेट किया है, किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन ये पर्सन फील करता था, ठीक है, तो उसको ये मिस कर रहा है। अब ये पर्सन आप भी हो सकते हो जिसके साथ पास्ट में ये पर्सन रहा है, ऑब्वियसली इसने आपको छोड़ा है, तो ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है ये पर्सन, और वहाँ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, नेगेटिव है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से बात भी करता होगा तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मोस्टली एनर्जी यहाँ पर ये है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक रीडिंग है, बट जिनकी रीडिंग है वो उनके पार्टनर ये फील कर रहे हैं उनके लिए, ये बैलेंस बनाना चाह रहा है, नहीं बन रहा, फ्यूचर के बारे में ये सोचता है तो इसको बर्डन फील होता है, इस बर्डन से बाहर आना चाहता है ये पर्सन। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा, बट मैं देखूँगी कि अगर थर्ड पार्टी से अच्छा तो नहीं चल रहा, तो ये क्या थर्ड पार्टी से निकलेगा कब तक, जिन रिवर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी में हैं वो थर्ड पार्टी को कब तक छोड़ेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे, छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को। एग्जॉस्ट है ये पर्सन, फाइट किया या फाइटिंग हो रही है, कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन का थर्ड पार्टी से, और काफ़ी फैमिली वालों से भी झगड़ा हो रहा है इस पर्सन का। या ये पर्सन निकलेगा थर्ड पार्टी से गाइस, फाइटिंग होगी वहाँ पे, फिर ये पर्सन निकलेगा, एक्शन लेगा, या क्योंकि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये चाहता है इसकी लाइफ में ग्रोथ आए, इसकी लाइफ में सक्सेस आए, तो सक्सेस इसको वहाँ पर तो नहीं मिल रही। तो आपके सामने कार्ड गाइस मैंने शफल किए हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन निकलेगा थर्ड पार्टी से, 6 मंथ में ये पर्सन निकल सकता है थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहता है, विक्ट्री चाहता है, तो विक्ट्री ये लेना चाहता है, वहाँ से निकलेगा या थर्ड पार्टी से 6 मंथ में निकलेगा, 6 to 8 मंथ, क्योंकि ये किसी को ऑफर करना चाहता है। अगेन कार्ड आपके सामने है 6 of cups, ये अपने सोलमेट को ऑफर करना चाहता है जिसके साथ नॉस्टैल्जिक फील करता था, जो इसका पास्ट पर्सन है जिसके साथ ये लव करता है, उसके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, 6 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन, बहुत नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन के लिए वहाँ पे गया था, तो आई थिंक इस पर्सन की लस्ट पूरी हो गई है, अब इस पर्सन को कनेक्शन कुछ भी नहीं दे रहा, सो दैट्स वाई दे वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस कनेक्शन। ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।